किसान आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी खबर आ रही है, और बुरी खबर ये है कि अगर ये किसान आंदोलन लंबा खिंचता है तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ही वे नेता कह रहे हैं जिन्हें पार्टी हाईकमान द्वारा खा पंचायतों के चौधरियों से मिलकर उन्हें कृषि बिलों के फायदे समझाने और किसान आंदोलन की धार कम करने की जिम्मेदारी दी गई थी। आपको याद होगा पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर एक बैठक बुलाई थी जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे थे। उसके साथ साथ में पार्टी ने अपने वेस्ट यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दूसरे प्रदेशों से जुड़े जो जाट नेता हैं, विधायक है, सांसद है, उन्हें भी आमंत्रित किया था। इस बैठक में जाट सांसदों, विधायकों और विशेषकर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव वालियान को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वे अपने क्षेत्रों में जाकर खाप चौधरियों से मिले, उन्हें कृषि बिल के फायदे समझाएं और किसान आंदोलन की जो धार है उसे कम करने का प्रयास करें। संजीव वालियान ने इस दिशा में प्रयास भी किए। संजीव वालियान कई खाप चौधरियों से भी मिले। शामली जिले के भैंसवाल में जब संजीव वालियान खाप चौधरी से मिलने के लिए गए तो वहाँ उनके विरोध में नारेबाजी हुई और एक बार के लिए भाजपा समर्थकों और किसानों के बीच टकराव की स्थिति भी वहाँ बनती नजर आई। उसके अगले ही दिन मुजफ्फरनगर के सोरम में तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और किसानों के बीच मारपीट हुई, जमकर मारपीट हुई, जिसे लेकर बवाल भी हुआ। लोगों ने शाहपुर थाने का घेराव भी किया और इसके अगले ही दिन राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह खुद सोरम पहुंचे और उन्होंने मारपीट के शिकार लोगों का हालचाल जाना। लगातार इस मुद्दे को लेकर किसानों में और विशेषकर जाट समुदाय के लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और संजीव बालियान ने सोरम प्रकरण समाप्त होने के बाद कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर मामले में अपनी जमीनी रिपोर्ट भी दी है। सूत्र बताते हैं कि जो जमीनी रिपोर्ट भाजपा हाईकमान को दी गई है वो पार्टी के लिए परेशानी खड़े करने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यह आंदोलन लंबा खिंचता है तो ये पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये आंदोलन जितना लंबा खिंचता जा रहा है किसानों की नाराजगी भी पार्टी के प्रति उतनी बढ़ती जा रही है। अब तक ये माना जा रहा था कि ये सिर्फ वेस्ट यूपी में तो जाटों के बीच में ही इस आंदोलन की जड़ें हैं, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है शायद पार्टी को भी, और जो रिपोर्ट दी गई है शायद उसमें भी ये बताया गया है कि सिर्फ जाटों में नहीं लगभग सभी जातियों के किसानों में इस मुद्दे को लेकर पार्टी के प्रति नाराजगी है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतें भी लोगों में पार्टी के प्रति असंतोष बढ़ा रही है, और वेस्ट यूपी के किसानों के लिए एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि गन्ना मूल्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कई सालों से नहीं बढ़ाया गया है, जो कि अपेक्षित था। आज की तारीख में जब इतने महीनों से किसान आंदोलन चल रहा था, बावजूद इसके यूपी सरकार द्वारा इस बार गन्ने के भाव में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की गई। बात यहीं खत्म नहीं होती, चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों के भुगतान में भी मनमानी की जा रही है। यहाँ तक कि प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के अपने क्षेत्र में स्थित थाना भवन शुगर मिल शायद भुगतान के मामले में सबसे फिसड्डी चीनी मिल है, और इसे लोग लेकर भी लोगों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। सूत्र बताते हैं कि संजीव बालियान ने अपनी रिपोर्ट में ये बात भी भाजपा हाईकमान के सामने रखी है। इसके अलावा पार्टी की एक बड़ी चिंता ये भी है कि इस आंदोलन के चलते वेस्ट यूपी में जाट मुस्लिम गठजोड़ दोबारा से जीवित हो सकता है, और अगर ये गठजोड़ दोबारा से जीवित हो गया तो ये भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट यूपी में जड़े हिला देगा। जब भी वेस्ट यूपी में जाट मुस्लिम गठजोड़ बना है हमेशा राष्ट्रीय लोकदल को संजीवनी मिली है, और राष्ट्रीय लोकदल का जो मूल वोट बैंक है वो यही है। संजीव बालियान वेस्ट यूपी में अपने अब तक के कार्यकाल में मजबूत जाट नेता के तौर पर उभर रहे हैं।
जाट आरक्षण आंदोलन के समय भी संजीव बालियान ने इस आंदोलन को शांत करने में और जाटों में भाजपा के प्रति जो नाराजगी थी उसको दूर करने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार शायद बात उनके हाथ से आगे निकलती दिखाई दे रही है। वेस्ट यूपी में अगर जाट मुस्लिम गठजोड़ बना तो इसका फायदा निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोकदल को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत वोट बैंक है जाट, अगर वो एक बार खिसका, चूंकि जाट अगर एक बार भारतीय जनता पार्टी के पाले से खिसका तो कई और जातियों को भी वो प्रभावित करता है और निश्चित तौर पर किसानों का वोट बैंक भाजपा के खाते में जो आज है वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों के खाते में जा सकता है। पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी यही है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में भाजपा हाईकमान जो रिपोर्ट उन्हें मिली है, जो कि सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान द्वारा पार्टी हाईकमान को दी गई है, उस पर किस तरह का एक्शन लेता है, क्या भाजपा वाकई किसानों के इस आंदोलन को जल्द खत्म करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा सकती है जो कि उसे 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा में होने वाले नुकसानों से बचा सके।